सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। अपने कर्म को सलाम करो, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। यदि कर्म को दूषित रखोगे तो हर किसी को सलाम करना पड़ेगा। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है दोस्तों बदलता जरूर है। आज का पंचांग 5 नवंबर 2020 दिन गुरुवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 6:36 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 6:45 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:33 से 2:56 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 10:59 से 12:30 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। मेष राशि 5 नवंबर 2020 दिन गुरुवार, काम पर विवाद तनाव पैदा कर सकता है। आप जिस बाधा या नुकसान का सामना कर रहे हैं उसे कड़ी मेहनत से दूर किया जा सकता है। आपके प्रयासों को पुरस्कृत किया जाएगा, इसलिए दुश्मनों की नकारात्मक बातों से प्रभावित ना हो। पैसों को सोच समझकर खर्च करें। आज आत्मनिरीक्षण के लिए उपयुक्त समय है। यह ताकत और सकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करने में आपकी सहायता करेगा। आप अब आत्मनिरीक्षण और चिंतन के माध्यम से अपनी वास्तविक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने मन का विकास करें और उस पर नियंत्रण रखें, इससे शीघ्र फल की प्राप्ति होगी। अचानक आई समस्याएं आज आपको किसी परेशानी में डाल सकती है। यह समस्याएं आपके काम में उथल पुथल भी मचा सकती है। समय की इस चुनौती का डटकर सामना करें और जीत हासिल करें। आप फिर से सही रास्ते पर आ जाएंगी। आज कुछ नकारात्मक लोगों की संगति आपके व्यापारिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। व्यापार में झूठे वादे करके भी काम को बढ़ाने की दिशा में जोर रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग में झूठ बोलकर बिक्री बढ़ाने को प्रोत्साहन मिलेगा। पत्नी की प्रशंसा करके उसको प्रसन्न रखने का प्रयास किया जाएगा। गला मुंह के छाले इत्यादि जैसी कोई मुंह की समस्या हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, आज भाग्य का कम साथ मिल सकता है। अन्य चार तक बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ही काम करें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। दूसरों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय स्वयं सही गलत को समझकर निर्णय लें। बात करते हैं लव लाइफ की। उदासी और अकेलेपन का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सब आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपका पार्टनर आपका सबसे अच्छा दोस्त है, जो हर स्थिति में आपका साथ देता है। प्रतियोगिता भरे इस चढ़न का मजा लें। ऋण आदि से बचने के लिए सोच समझकर धन खर्च करें। आपके लिए यह समय सबसे बढ़िया है। आज आप खुद पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अब आप नए कार्यों को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अभी समय उचित नहीं है, इसीलिए इन कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। आपके अपने साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकती है, लेकिन आप सब कुछ संभाल लेंगी। बात करते हैं करियर की। अपने विचारों में बदलाव आपके जीवन को बदल सकता है। किसी वजह से आज आप महसूस करेंगे कि आप किसी दूसरे ही लोक में हैं। चिंता, धोखा या उदासी यह शब्द आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। भविष्य के बारे में पहले से सोचना जीवन की मजबूत नींव तैयार करता है। आज केवल अपने बारे में सोचें। आत्मनिर्भरता के लिए यह अच्छा समय है।
आज किसी नई या बड़ी परियोजना की शुरुआत ना करें और आप थोड़ा चिंतित भी महसूस कर सकते हैं। किसी भी काम के लिए खुद पर विश्वास रखें। बात करते हैं सेहत की। कम तनाव की वजह से आज ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा, उससे आपको राहत मिलेगी। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। आज आप जिम भी जा सकते हैं ताकि सेहत लंबे समय तक बरकरार रहे। आज का उपाय, आज आप धार्मिक पुस्तकों का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।